नमस्कार, चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा पांचवा समन भेज दिया गया है और अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल पांचवें समन का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आगे की राजनीतिक और कानूनी रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी हम आपको तसल्ली से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा देश की राजधानी में बहुत गर्माने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही ये आशंका जता चुकी है कि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा भेजे गए समन के मामले में कोर्ट का रुख करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि वो पांचवे ईडी के नोटिस को स्टडी कर रही है, यानी कि लीगल टीम जो है अब उसका काम बढ़ गया है, क्योंकि अब ये तय करना होगा कि चार समन में तो अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, क्या पांचवें समन में पेश होना है या नहीं होना है। क्योंकि इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 2 फरवरी के दिन दिल्ली में, यानी कि देश की राजधानी में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मामले में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी शामिल होने जा रहे हैं। ये वही दिन है जिस दिन के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा है, यानी कि यह तय है कि सड़कों पर संग्राम होगा और जाहिर है कि निशाने पर आम आदमी पार्टी के होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी सीधे आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछ रही है कि क्यों अरविंद केजरीवाल समन का जवाब देने के लिए नहीं जा रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हस्ताक्षर कैंपेन की शुरुआत की गई। हमने ये देखा कि किस तरह से घर घर जाकर लोगों को ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो क्या उन्हें सरकार जेल से चलानी चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ जनसभा का भी आयोजन किया गया जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री जनसभा में शामिल होकर लोगों से ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। और इसका अर्थ ये होता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका तो जता रही है, लेकिन ये रणनीति भी तय कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध सके। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं तो वहीं पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी गोवा और गुजरात और उसके अलावा हरियाणा में भी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है, किसे कितनी सीट मिलेगी यह अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच ये जरूर तय है कि अरविंद केजरीवाल कानूनी तौर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियों के समन को अरविंद केजरीवाल पहले ही गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं और इससे यह भी साफ हो जाता है कि वो सीधे तौर पर अब केंद्र सरकार और भाजपा से टक्कर लेने के लिए तैयार है। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो रणनीति अपना रही है उसमें उसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक तौर पर कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।